राजस्थान विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रत्याशियों को टिकट बांटने में पायलट की भूमिका को लेकर गहलोत ने कहा कि पायलट ही अब हाईकमान हो गए हैं, मैं उन्हें भला क्या कह सकता हूं, मैं उन्हें कुछ कहने वाला होता कौन हूं, उन्हें तो कांग्रेस के अध्यक्ष ही कह सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एक मीडिया संस्थान के चुनावी कार्यक्रम में बोलते हुए ये सारी बातें कही। विधानसभा चुनाव और टिकट बंटवारे में पायलट की भूमिका के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पहली बार वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आए हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर होना बड़ी बात है, अब वो खुद हाईकमान हो गए हैं, हाईकमान खुद टिकट बांटते हैं तो इसमें उनकी भी भूमिका होगी, मैं उनसे कुछ क्यों कहूँ, मैं कुछ भी कहने वाला कौन होता हूँ, अब उन्हें तो कांग्रेस के अध्यक्ष ही कह सकते हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर होना बड़ी बात है, मैं विश्वास करता हूं कि जो AICC के पदाधिकारी हैं वो हाईकमान से संबंधित हो जाते हैं, उनको कुछ भी कहना हाईकमान को कहने के बराबर होता है। गहलोत ने कहा कि AICC के महासचिव, सचिव और सदस्यों के टिकट हाईकमान ही फाइनल करता है। प्रदेश में कांग्रेस विधायकों को विरोध की बात भी सीएम गहलोत ने मानी। गहलोत से बैर नहीं, कांग्रेस विधायक की खैर नहीं को लेकर फीडबैक के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बात कई दिनों से सामने आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की समस्या चुनाव से पहले खत्म हो जाए, दूर कर दें। गहलोत ने कहा कि कई बार अच्छा काम करने के बाद भी इस तरह का परसेप्शन बन जाता है, ये फीडबैक काफी लोगों ने दिया है, विपक्षी पार्टियों के लोग इस तरह की बातों को ज्यादा फैलाते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जोधपुर के सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि अगर वो सरदारपुरा शहर से चुनाव लड़ती हैं तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा, अगर वो मेरे सामने होती हैं तो हम दोनों पूरे देश में चर्चा में आ जाएंगे, इसी बहाने से पूरे देश में राजस्थान की चर्चा हो जाएगी। मैं हमेशा ही कहता हूं कि देश भर में राजस्थान पर डिबेट होनी चाहिए। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं हमेशा से। आपको यह भी बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार बैठकों का दौर शुरू कर चुकी हैं। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से पिछले दिनों करवाए गए सर्वे में सीएम अशोक गहलोत के गृह संभाग जोधपुर में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, वहीं सचिन पायलट के प्रभाव वाले पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। ये पार्टी के इंटरनल सर्वेज हैं जिसकी रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में पूर्वी राजस्थान में अधिकांश टिकट पायलट की सलाह पर तय करने का संकेत भी दिया जा रहा है, इसी तरीके का सवाल उनसे पूछा गया था। जुलाई 2020 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और PCC चीफ सचिन पायलट को गहलोत सरकार के खिलाफ उनके बगावती तेवरों और मानेसर में 19 विधायकों संग कैंप करने के चलते उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटाया गया था। वहीं अब 3 साल बाद चुनाव से पहले सुलह हुई है, सचिन पायलट को संगठन में फिर से वापसी कराई गई है, सियासी कद बढ़ाया गया है, CWC का मेंबर बनाया गया है, अब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में यानी टॉप लीडरशिप में सचिन पायलट दिखाई पड़ रहे हैं। गहलोत और पायलट में सुलह कराने वाले राष्ट्रीय संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी CWC के सदस्य हैं। सचिन पायलट पर कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, उन्हें उस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया है जहां पर कांग्रेस के सारे टॉप लीडर्स दिखाई पड़ते हैं। पार्टी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का काम यही पूरा ग्रुप करता है, सीक्रेसी बहुत ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है, इससे पार्टी स्तर की राजनीति पे भी उनका दखल बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका उनकी इस नियुक्ति में अहम बताई जा रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी उनके काफी प्रशंसक और फॉलोअर्स हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट पर भी प्रचार पर भेजे जा सकते हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी पायलट पर सबकी नजर रहेगी और जिम्मेदारी भी उनको दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए ही पायलट को CWC का मेंबर बनाया है। सचिन पायलट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छा भाषण देते हैं, युवाओं के बीच पॉपुलर हैं, गुर्जर समाज में उनका नाम है, दक्षिण भारतीय और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी सचिन पायलट को अच्छा भाषण देते हुए अच्छा वक्ता माना जाता है। उनकी इन्हीं क्षमताओं को देखते हुए कांग्रेस के लिए भी पायलट महत्वपूर्ण है। कुल मिलाजुलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाना ये संकेत है कि पायलट अब पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, और अब अशोक गहलोत का ये बयान भी इस बात को पुख्ता करता है कि सचिन पायलट का कद और पद दोनों ही पार्टी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमर उजाला अब आपके TV पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।